पुत्र को भी पिता का इसी प्रकार आदर करना चाहिए, क्योंकि पिता ने पुत्र से अधिक जीवन जिया होता है। पिता के अनुभव पुत्र के अनुभवों की तुलना में कहीं अधिक विशाल, अधिक व्यापक और समय की कसौटी पर अधिक खरे उतरे हुए होते हैं। देवर्षि, नवीन पीढ़ियों को भी ये जान लेना चाहिए कि जीवन मार्ग पर उनके पहले के यात्रियों, उनके पूर्वजों के पदचिन्ह उन दीपकों के समान हैं जो उन्हें सही राह दिखाते हैं। पतंगा जब दीपक पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने की ठान लेता है तो केवल एक ही वस्तु उसका मार्गदर्शन कर सकती है, दीपक की लौ और उस पर मर मिटने की इच्छा। फिर यही उद्देश्य उसका पूर्ण जीवन बन जाता है। ईश्वर भी ईश्वरत्व के नियम से बंधा है और ईश्वरत्व का नियम है समानता। मेरी दृष्टि में समस्त मानव जाति समान है। मैं धरती पर जा अवश्य सकता हूं देवी, किंतु समस्त मानव समूह के कल्याण के लिए, केवल किसी एक के कल्याण के लिए नहीं।